जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 के मैच नंबर 53 और 54 के बाद ये तस्वीरें तो साफ होती नजर आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस का पहुंच पाना प्लेऑफ में बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। इस डिफेंडिंग चैंपियन को कोई बड़ा चमत्कार करना होगा जो आज तक आईपीएल के इतिहासों में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर की पिछली रात हुई जीत के बाद उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय हो गया है। 14 मैचों में उनके 14 अंक हो गए हैं जिसकी वजह से वो चौथे नंबर पे हैं। पंजाब किंग्स के भी इतने ही मैचों में 12 अंक हैं, लेकिन पंजाब आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। उनके कोई भी मुकाबले नहीं बचे और यहां पर कोलकाता के ही मुकाबले खत्म हो गए। पंजाब पांचवें नंबर पे है, मुंबई इंडियंस के 13 मैचों में अभी 12 ही अंक हैं, छठे नंबर पे है 6 जीत के साथ, और उसका प्लेऑफ में पहुंचना अब नामुमकिन सा है। मुंबई का अगला मुकाबला आज शुक्रवार को यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होना है दोस्तों। अबूधाबी के मैदान से शाम 7:30 बजे आपको देखने को मिलेगा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को हैदराबाद को 171 रनों से हराना होगा। अगर मुंबई ऐसा नहीं कर पाती है तो कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन जाएगी। मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन जो 2 लगातार सालों से आईपीएल की ट्रॉफी उठा रही है, हैट्रिक लगाने का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों निगाहें यहां पर टॉस पर भी रहेंगी क्योंकि टॉस जीतने के बाद ही वो गेंदबाजी बल्लेबाजी का चयन करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रगलिंग मुकाबला ये होगा टॉस, उसके बाद बल्लेबाजी कैसी रहती है, क्योंकि अभी तक फेज टू में आईपीएल के अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो हाईएस्ट स्कोर फेज टू में 189 बना है फर्स्ट इनिंग के दौरान, जो चेन्नई ने बनाया था। उसके बाद राजस्थान ने चेस करते हुए 190 बना लिया था। तो यहां पर अगर दोस्तों मुंबई इंडियंस को इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनी है तो कम से कम 250 रनों का स्कोर बनाना होगा टॉस जीतने के बाद, पहले बल्लेबाजी करते हुए फिर 171 रन बचाने भी होंगे। तो ये एक कठिन चुनौती होगी, यही एक शर्त है जिसके दम पर मुंबई इंडियंस की टीम टॉप 4 में एंट्री कर पाएगी, वरना इस सीजन मुंबई का पत्ता साफ और टॉप 4 से नीचे रह जाएगी ये डिफेंडिंग चैंपियन। देखते हैं दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या मुंबई ऐसा कमाल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि ऐसा एक राजस्थान के साथ मुकाबला आप सभी को याद होगा जहां पर मुंबई ने किस प्रकार से एंट्री की थी, ना सिर्फ एंट्री की थी बल्कि आगे तक मुकाबले में गई थी। देखते हैं दोस्तों उस मुकाबले में क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि एक ही समय पर 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला जो दिल्ली वर्सेज बेंगलोर का एक तरफ खेला जा रहा होगा, तो वहीं हैदराबाद वर्सेज मुंबई का मुकाबला चल रहा होगा, यानी कि एक ही समय पर एक ही दिन में 2 मुकाबले आईपीएल के इतिहास में पहला बार ऐसा होगा। तो क्या मुंबई भी दोस्तों मैच जीतकर एक शानदार तरीके से प्लेऑफ में एंट्री करेगी, क्योंकि यह भी कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।